मेरा नाम लीलाकांत पटेल है। हाँ। मैं अभी ग्राम पंचायत भावरपुर सरपंच प्रतिनिधि हूँ और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हूँ। एक पहले पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भावरपुर रहे हैं। अच्छा, हमारे सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में जी सरेपाली विधानसभा है, क्या माहौल चल रहा था सरेपाली? सरेपाली विधानसभा में अभी हमारे पार्टी ने 46 से उसमें सहमति नहीं बन पाई हमारे बीसीसी से। अच्छा। तो जिला में भेजें, जिला में भी हम सहमति नहीं बन पाई। हाँ। तो पीसीसी ला पूरा 150 आवेदन ला वो भेज दिया गया से, वहीं से अब योग्य प्रत्याशी जो है जो क्षेत्र के सेवा कर सके ओला। अच्छा। अब हमारे जो दिल्ली आईसीसी से पीसीसी से अब ओकर डिक्लेरेशन हुई। सहमति नहीं बने कारण क्या है? सहमति बने के कई ठो सुने पर मिलते हैं लेकिन आपसी सामंजस्य नहीं बन पाई। बड़े बड़े नेताओं के दावेदारी है। अच्छा। और आपसी सामंजस्य नहीं बन पाई कुछ कारणवश। अच्छा। मैं तो बैठक में उपस्थित नहीं रहे। खैर, अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष में भी आरोप लगात रही और अभी सुनने में आए, एक तो वीडियो भी देखे हमें। हाँ। तो यदि वो आरोप सही हो ना तो बहुत ही हमारे कांग्रेस पार्टी पर गलत है, दुखदायी और निराशाजनक है। आज हम 2500 के जुड़े हैं। हाँ। आज जो ब्लॉक अध्यक्ष हम अपन नेतृत्व कर रहे थे अपन। हाँ। अपन के गरिमा पदला नहीं समझ के ना कांग्रेस पार्टी के अहित में काम करे बारे में चालू करी ने। अच्छा। यदि घटना सही हुई तो निसंदेह निसंकोच मैं निंदनीय करता हूँ, भर्सना करता हूँ और भविष्य में निवेदन करता हूँ हमारा ही कमान से कि वो मन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आप मन तो जनप्रतिनिधि हो तो क्या लगता है अगर सरकार बनी तो लगा सरकार तो हमारे फिर भूपेश काका के ही। अच्छा। भूपेश से तो भरोसा है। आज भवनपुर 15 से जो बीजेपी शासन में कुछ नहीं मिल पाई। हाँ। वो और आज हमारा सौगात के रूप में पूरा विकास हो गया भवनपुर में और विकास के कोई नहीं बची से पूरा। हाँ। विकास के गंगा पहुंच गया, विकास हो गया। आज हमारे उप तहसील खुल गया आज कंटिन्यू। कल हमारे महाविद्यालय विधायक जी के महोदय की उपस्थिति में महाविद्यालय भी प्रवेश प्रारंभ हो गई। बैंक के भी कार्रवाई प्रारंभ हुई से कॉमर्शियल बैंक के 5 जो घोषणा हुई से लगभग पूरा हो गया। नगर पंचायत के कैबिनेट में भी मंजूरी हुई से और हम आशा है कि आगामी 1-2 महीना के अंदर में भी वो दर्जा मिल सका थे। लेकिन फिर भी भाजपा भी अभी कहते हैं 3000 क्विंटल धान खरीदी करबो। अब भाजपा तो अपन के पास मुद्दा विहीन है। 15 ले तो अजमैन है हमारे किसान मजदूर। आज हमारे भूपेश सरकार हर वर्ग के काम करते थे, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे भूमिहीन मजदूर हो। हमारे जो गोधन न्याय योजना है, तेंदू पत्ता वाला होगी। हाँ। और जो और कई ठो जो है गरीब मन के भी योजना है। अच्छा। श्रम कार्ड जो बना थे मुख्यमंत्री श्रम कार्ड योजना है। राइस मिलर से मन के भी जो व्यापारी वर्ग हैं वो मन के भी हमारे भूपेश काका ध्यान दिशे। और बाजार आज मंदी भी नहीं है छत्तीसगढ़ में, जो कोरोना समय से भी उथाल है। प्रधानमंत्री आवास लेके ग्रामीण प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास हर एक तो केंद्र सरकार के ढकोसला है और जो बरगला के काम कर रहे थे एक तो आंकड़ा हमारे सीएम साहब भी पेश कर रहे इसे। और ये जो बनी से आज भी हमने बनाए हैं 2011 के जो जनगणना उकरे पर हमारे सरकार करे इसे। अच्छा। और 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई से तो अभी ओकर पर जनगणना करके जो ओकर लाभान्वित थे जो कर वास्तविक हितग्राही है उमला पात्रता में शामिल करके बिल्कुल हमारी सरकार उमन के आवास बनाई भूमिहीन जो है उमन के संग बिल्कुल न्याय हुई। अच्छा, क्या लागत है सरेपाली कुल टिकट में लिखा लगते अभी? सरेपाली अभी तो अब देखो फिर भी साहब ठीक है नंद साहब। अच्छा, नंद साहब। हाँ। तो रिपीट वही को लगते हैं अब तो कोई भी रिपीट जनता भी आते नहीं जीते कोई रिपीट। हाँ, सारंगर और मोरा जो जानकारी राजनीतिक जीवन में। हाँ। तो 52 से जब इलेक्शन हुई से। हाँ। तब से सारंगढ़ में और सरेपाली। हाँ। एक कैंडिडेट रिपीट नहीं हुई से। हाँ। प्रत्याशी यदि बदला गई तो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनी। अच्छा। और आज तक दूसरा कैंडिडेट ला मौका जनता ने दी से। हाँ। सरेपाली के टिकट घोषणा हो गए बीजेपी ले। हाँ। और सरेपाली के मतलब कांग्रेस ले कब तक हो के हुए है? अब कांग्रेस के अब उच्च सूत्र में नहीं बता पाई फिर भी लगते मोला कि प्रथम सप्ताह में सितम्बर में भी हमारो। हाँ। अभी सरला को से टिकट मिले के बाद बीजेपी से जो चौहान समाज के जो कार्यकर्ता मन जुड़े हैं उन इस्तीफा दिन है तो से क्या कांग्रेस ला फायदा हुई? अब कांग्रेस ला ओकर से फायदा हुई या नहीं हुई तो बात की बात है लेकिन जो माहौल हो है वो में बिल्कुल आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के टिकट दे में और कहीं ना कहीं फायदा मिली पार्टी ला। और कुछ कहना चाहते हो जनता मन? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्षेत्र के विकास पर छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास पर पुनः एक बार कांग्रेस की सरकार ला बुलाना है और अपना अपन क्षेत्र के विधायक ला कांग्रेस के विधायक ला बहुजन प्रचंड बहुमत से जिताना है सब बुझ अपील है। अच्छा, अभी जो श्याम चांडी जी जो इस्तीफा दिए जी ओकर संबंध में हमन पूछबो जी कि तुमन ला का सही लागत है ऐसे पार्टी के विरोध में जाके इस्तीफा देना है टिकट नहीं दी सको? जी जी, अब उनके व्यक्तिगत तो है बाकी पार्टी के निष्ठावान ला एक बार
अपन जो हुई से मौका देना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। राजनीति में धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, श्याम तांडी को पिछले बार भी टिकट, हाँ पिछले बार भी उनको मौका दी थी बीजेपी, कई बार उनको उनके समाज के भी टिकट मिल गया बीजेपी से, कांग्रेस से। अब समाज यदि अपन देखें छत्तीसगढ़ के भौगोलिक के हिसाब से तो पुराना जो इतिहास है जी, तो मेरे ख्याल से इन जो गाढ़ा समाज भाई लोगों का है जी, सरायपाली में उनको प्रतिनिधित्व मिलते आ रहा है और यदि इनको यहाँ से न मिले प्रतिनिधित्व तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको प्रतिनिधित्व मिलना मुश्किल है। इस हिसाब से वो नाराज़ होंगे समाज का, हम लोगों को उपेक्षित हो रहा है बोल के।